नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में इस नई वीडियो में आज समझते हैं डायक की कंस्ट्रक्शन करेक्टरिस्टिक और एप्लीकेशंस को। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। डायक थायरस्टर फैमिली का एक ऐसा सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसके दो टर्मिनल्स होते हैं। डायक शब्द का अर्थ है ऐसा डायोड जो अल्टरनेटिंग करंट्स में काम करता है। ये एक बाई डायरेक्शनल दोनों दिशाओं में काम करने वाला सेमीकंडक्टर स्विच है जो कि ऑन और ऑफ सप्लाई की दोनों साइकिल्स में पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल में किया जा सकता है। आमतौर पर हम इसका इस्तेमाल ट्रायक और दूसरे थायरस्टर सर्किट्स हैं उन्हें ट्रिगरिंग करने के लिए करते हैं। हमारी एप्लीकेशन में डायक कई रूपों में इस्तेमाल होता है। एक डिस्क्रीट कंपोनेंट के रूप में वो एक छोटा सा इस तरह का लीड लिया हुआ पैकेज यूनिट हो सकता है। वो सरफेस पे माउंट होने वाले पैकेजेस में अवेलेबल हो सकता है और बड़ी संरचनाओं में वो किसी चेसिस पे बोल्ट के साथ कसने वाला रूप हो सकता है। अक्सर डायक एक ट्राइक के कॉम्बिनेशन के साथ एक ही पीस में इंटीग्रेटेड रूप में ज्यादा प्रयोग होता है। और डायक और ट्राइक का ये जो पेयर है उसे हम पंखे में रेगुलेटर के तौर पे, लाइट में डिमर्स के तौर पे, हमारी फ्लोरोसेंट लैंप्स की इलेक्ट्रॉनिक चौक में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ चित्र में दिखाया गया DB3 एक पॉपुलर डायक है जिसकी ब्रेकओवर वोल्टेज 32 वोल्ट है और अन्य दूसरे डायक के लिए ब्रेकडाउन वोल्टेज का स्पेसिफिकेशन उनकी डिजाइन और कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करेगा। एक डायक का संकेत रूप दो ऐसे पैरेलल डायोड हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट कनेक्टेड हैं। क्योंकि डायक एक बाई डायरेक्शनल डिवाइस है इसलिए इसके टर्मिनल्स एनोड और कैथोड न कहलाकर एनोड 1 और एनोड 2 या मेन टर्मिनल 1 और मेन टर्मिनल 2 कहलाते हैं। एक डायक का पिनआउट कॉन्फ़िगरेशन रिवर्सिबल है जैसे कि एक साधारण रजिस्टर हो या सिरेमिक कैपेसिटर हो। हालांकि डायक एक थायरस्टर फैमिली का डिवाइस है लेकिन इसका कोई कंट्रोलिंग गेट टर्मिनल नहीं है और ये टर्न ऑन या टर्न ऑफ सिंपली दोनों टर्मिनल के बीच की वोल्टेज एक करेक्टरिस्टिक ब्रेकओवर वोल्टेज से ज्यादा या कम करने पर या हमारे करंट को लैचिंग करंट से ज्यादा करके टर्न ऑन और कंडक्शन स्टेट में करंट को होल्डिंग करंट से कम करके टर्न ऑफ किया जा सकता है और ये दोनों पोलरिटीज के साथ स्विचिंग एक्शन करेगा। डायक की कंस्ट्रक्शन को समझते हैं। डायक 3 लेयर के कॉन्फ़िगरेशन में या 5 लेयर के कॉन्फ़िगरेशन में अवेलेबल है। 3 लेयर स्ट्रक्चर में ये जो दो जंक्शन डायोड सीरीज में आते हैं वो किसी एक बायस पोलरिटी में रिवर्स बायस होते हैं और दोनों पोलरिटी में दो रिवर्स बायस डायोड बैक टू बैक एंटी पैरेलल कनेक्ट जैसा फॉर्मेट है और डिवाइस में ब्लॉकिंग मोड से कंडक्शन मोड की स्विचिंग हो जाएगी अगर जंक्शन पर अप्लाइड वोल्टेज रिवर्स बायस डायोड में रिवर्स ब्रेकडाउन कर दे। 5 लेयर डायक ज्यादा प्रचलित हैं जिनकी ब्रेकओवर वोल्टेज 30 वोल्ट या ज्यादा हो सकती है। एक 5 लेयर डायक की कंस्ट्रक्शन SCR या थायरस्टर से मिलती जुलती है जिसमें दो पी डॉप्ट लेयर के साथ 3 एन डॉप्ट लेयर्स हैं और दो साइड एनोड 1 और एनोड 2 या मेन टर्मिनल 1 और मेन टर्मिनल 2 टर्मिनल्स के अलावा कोई गेट टर्मिनल नहीं है। डायक की सिमेट्रिकल स्विचिंग ऑपरेशंस के लिए इन तीनों बीच की डॉप्ट लेयर में डॉपिंग का लेवल सेम रखा जाता है ताकि दोनों पोलरिटीज में सेम अप्लाइड वोल्टेज पे डायक अपनी ब्रेकओवर परफॉर्मेंस को प्रदर्शित करे। एक डायक की दो टिपिकल बायसिंग यहां प्रदर्शित है। ग्रीन हाईलाइट में मेन टर्मिनल 1 या एनोड 1 पॉजिटिव है और मेन टर्मिनल 2 या एनोड 2 नेगेटिव पोटेंशियल पर है, जबकि शान हाईलाइट में मेन टर्मिनल 2 पॉजिटिव पोटेंशियल पे है और मेन टर्मिनल 1 नेगेटिव पोटेंशियल पर रखा जा रहा है। डायक में टर्मिनल के पास दोनों पी डॉप क्लेयर और एन डॉप क्लेयर के कॉम्बिनेशन होते हैं। ग्रीन हाईलाइट की बाइसिंग के अनुसार जब मेन टर्मिनल 1 पॉजिटिव पोटेंशियल पर है तो उसका कनेक्शन पी डॉप P1 लेयर के साथ होगा और MT2 टर्मिनल मेन टर्मिनल 2 जब नेगेटिव पोटेंशियल पे है तो उसका कनेक्शन यहाँ N डॉप्ट लेयर N3 के साथ होगा और लीकेज करंट और ब्रेकओवर से ज्यादा वोल्टेज होने पर जो मेरे डायोड का सर्किट करंट है वो P1, N2, P2, N3 के अनुसार फ्लो करेगा। इसी तरह से शान हाईलाइट में जो दूसरी बायसिंग कंडीशंस है उसमें भी दोनों टर्मिनल्स मेन टर्मिनल 2 और मेन टर्मिनल
टर्मिनल 1 के कनेक्शंस 2 पी और एन डॉप्ड लेयर के साथ हैं, जब मेन टर्मिनल 2 पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ है तो इसका कनेक्शन पी डॉप्ड लेयर P2 से हो जाएगा। इसी तरह से मेन टर्मिनल 1 जब नेगेटिव पोटेंशियल पे है तो इस टर्मिनल का कनेक्शन एन डॉप्ड लेयर N1 के साथ चित्रानुसार हो जाएगा। और जब हम बायसिंग करेंगे तो लीकेज करंट और बाद में ब्रेकओवर से ज्यादा वोल्टेज पे डायक का सर्किट करंट P2, N2, P1 और N1 के मार्फत फ्लो करेगा। ग्रीन हाईलाइट के अनुसार जब हमने मेन टर्मिनल 1 को पॉजिटिव पोटेंशियल और मेन टर्मिनल 2 को नेगेटिव पोटेंशियल से बायस किया तो हमारा डायक P1, N2, P2 और N3 के बीच में काम करेगा। और इस बायसिंग में हमारा डिवाइस एक 4 लेयर और 3 जंक्शन और 2 टर्मिनल का डिवाइस बन जाएगा। और ऐसी स्थिति में P1 और N2 के बीच में जंक्शन और P2 और N3 के बीच में ये जो नीले तीर से दिखाए गए जंक्शन हैं वो फॉरवर्ड बायस है और N2 और P2 के बीच में बना हुआ जंक्शन रिवर्स बायस रहेगा। और ब्रेकओवर से कम वोल्टेज पे इसमें लीकेज करंट फ्लो होगा और ब्रेकओवर से ज्यादा वोल्टेज होने पर कंडक्शन होने पर इसमें सर्किट करंट फ्लो होने लगेगा। शान हाईलाइट के अनुसार जब मेन टर्मिनल 2 पॉजिटिव पोटेंशियल और मेन टर्मिनल 1 नेगेटिव पोटेंशियल के साथ बायस है तो हमारा डायक P2, N2, P1 और N1 लेयर के साथ एक 4 लेयर 3 जंक्शन और 2 टर्मिनल डिवाइस बन जाएगा। और इस बायस कंडीशन में ये जो नीले तीर से P2 और N2 के बीच में जंक्शन बन रहा है और P1 और N1 के साथ जो जंक्शन बन रहा है वो फॉरवर्ड बायस होगा और P2 और N2 के बीच में बनने वाला जंक्शन रिवर्स बायस रहेगा। अगर अप्लाइड वोल्टेज ब्रेकओवर से कम है तो ये P2 N2 जंक्शन केवल लीकेज करंट को इस डायरेक्शन में अलाउ करेगा और ब्रेकओवर से ज्यादा अप्लाइड वोल्टेज होने पर सर्किट का करंट MT2 से होकर P2 N2 P1 और N1 लेयर के मार्फत सर्किट में फ्लो करेगा। डायक के ऑपरेशन को समझते हैं। डायक सामान्यतः ब्लॉकिंग मोड में होता है, चाहे MT1 मेन टर्मिनल 1 को MT2 टर्मिनल के साथ पॉजिटिव रखा जा रहा हो जब एनोड 1 एनोड 2 के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव हो, या शान हाईलाइट अनुसार मेन टर्मिनल 2 पॉजिटिव पोटेंशियल पे और मेन टर्मिनल 1 नेगेटिव पोटेंशियल की बायसिंग के साथ हो। हमारा डिवाइस जब ब्लॉकिंग मोड में है और अप्लाइड वोल्टेज ब्रेकओवर वोल्टेज से कम है दोनों ही बायसिंग में, तो डिवाइस नॉन कंडक्टिव ब्लॉकिंग मोड में स्मॉल लीकेज करंट को अलाउ करता है। एक डायक कंडक्शन प्रोसेस को चाहे MT2 पॉजिटिव हो या मेन टर्मिनल 1 की पॉजिटिव बायसिंग हो, कंडक्शन में तभी आएगा जब अप्लाइड वोल्टेज इस ब्रेकओवर लिमिट को क्रॉस करेगी। एक बहुत पॉपुलर डायक DB3 है जिसकी ब्रेकओवर वोल्टेज 32 वोल्ट प्लस माइनस 5% होती है, वो जब यहाँ 30-32 वोल्ट की वोल्टेज आएगी तो अचानक ब्लॉकिंग से कंडक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में डिवाइस का ब्लॉकिंग कंडीशन के हाई रेजिस्टेंस से कंडक्शन स्टेट के लो रेजिस्टेंस में शिफ्ट हो जाएगी अचानक अब्रप्टली। और ब्रेकडाउन की कंडीशंस में चार्ज कैरियर डिप्लेशन जोन को जो रिवर्स बायस जंक्शन पे बनी हुई है उसे खत्म करके चारों परतों में आवेश वाहक फैलाव करेंगे और उनके स्प्रेड आउट से डिवाइस का रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा और उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम हो जाएगी और सर्किट में करंट की अमाउंट इंक्रीज होने लगेगी। एक बार ब्रेकओवर के बाद सेल्फ लेस्ट हुआ हुआ डायक लगातार नीले तीर से इंकित कंडक्शन स्टेट में रहेगा और इसके अक्रॉस वोल्टेज भी काफी कम हो जाएगी, लेकिन अगर हम इसके करंट को किसी भी तरीके से लगातार घटाएं और एक करंट है होल्डिंग करंट उससे कम कर दें तो ऐसी स्थिति में डिवाइस ब्रेकओवर से कम वोल्टेज होने पर वापस ब्लॉकिंग मोड में शिफ्ट हो जाएगा और अब इसका रेजिस्टेंस इस नॉन कंडक्टिव स्टेट में हाई हो जाएगा और ये वोल्टेज विदस्टैंड करते हुए मामूली से लीकेज करंट को अलाउ करेगा। जो डायक की करेक्टरिस्टिक में सबसे लाभप्रद बात है वो ये है कि उसे बहुत आसानी से ब्रेकओवर से ज्यादा वोल्टेज करके ब्लॉकिंग स्टेट से कंडक्शन स्टेट में स्विच किया जा सकता है और एक कंडक्टिव डायक करंट को होल्डिंग करंट से कम करके और अप्लाइड वोल्टेज को ब्रेकओवर से कम रखते हुए वापस कंडक्शन से ब्लॉकिंग स्टेट में स्विच किया जा सकता है। और ये डायक का जो करेक्टरिस्टिक बिहेवियर है, यहाँ येलो हाईलाइट में जब मेन टर्मिनल 1 पॉजिटिव बायस पोटेंशियल पर है और यहाँ शान हाईलाइट में जब मेन टर्मिनल 2 पॉजिटिव पोटेंशियल की बायसिंग के साथ है, सिमेट्रिकल है। और ऐसा जो स्विचिंग एक्शन है डायक का वो हम AC सप्लाई के दोनों हाफ में SCR और ट्राइक जैसे दूसरे थायरिस्टर फैमिली के डिवाइसेज हैं उनकी ट्रिगरिंग के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण डायक की करेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन करते हैं। डायक को सप्लाई वोल्टेज की दोनों वोल्टेज पोलैरिटीज पे टर्न ऑन या ऑफ किया जा सकता है। एक डायक की VI करेक्टरिस्टिक SCR से मिलती जुलती है। एक डायक पे अप्लाइड वोल्टेज अगर ब्रेकडाउन वोल्टेज के
लेवल से कम वोल्टेज का मैग्नीट्यूड रखती है। तो एक डायरेक्ट ब्लॉकिंग स्टेट में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस के साथ मामूली लीकेज करंट को अलाउ करता है और हम कहते हैं कि डायरेक्ट एक ओपन सर्किट जैसा बिहेव कर रहा है। अगर मेरा मेन टर्मिनल 1 या एनोड 1 पॉजिटिव पोलैरिटी पे है और मेन टर्मिनल 2 या एनोड 2 नेगेटिव पोलैरिटी के साथ बायस है, तो मेन टर्मिनल 1 का पॉजिटिव पोलैरिटी के साथ P1 लेयर के साथ कनेक्शन हो जाएगा और इसी तरह से नेगेटिव पोटेंशियल की पोलैरिटी वाला मेन टर्मिनल 2 का कनेक्शन N3 लेयर से हो जाएगा और P1, N2, P2, N3 की इन 4 लेयर और 3 जंक्शन के साथ हमारा डायरेक्ट 2 टर्मिनल MT1 और MT2 के बीच में इस मैजेंटा तीर में लीकेज करंट को अलाउ करेगा। इस स्थिति में हम डायरेक्ट को 3 डायोड जो P1, N2 और P2, N3 के बीच में फॉरवर्ड बायस है और N2, P2 के बीच में रिवर्स बायस है, उसके सीरीज कॉम्बिनेशन की जैसे समझ सकते हैं। इस बायस कंडीशन में जब अप्लाइड वोल्टेज ब्रेकओवर वोल्टेज से कम है तो सारी वोल्टेज रिवर्स बायस N2, P2 जंक्शन के ऊपर ड्रॉप होगी और यहां N2 में माइनॉरिटी होल और P2 के माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन एक मामूली सा लीकेज करंट यहां मैजेंटा तीर की दिशा में बनाएंगे और हमारा डिवाइस सारी अप्लाइड वोल्टेज को विदस्टैंड करेगा। ब्रेकओवर से कम अप्लाइड वोल्टेज यहां अवलांच ब्रेकडाउन नहीं कर सकती और ऐसी स्थिति में हमारा डायोड नॉन कंडक्टिव ऑफ ब्लॉकिंग स्टेट में O से A के बीच की कैरेक्टरिस्टिक को शो करेगा और यहां लीकेज करंट का मैग्नीट्यूड वोल्टेज को इंक्रीज करने पे हल्का सा इंक्रीज होगा। जब अप्लाइड वोल्टेज को इंक्रीज किया जाता है तो N2 और P2 PN जंक्शन की रिवर्स बायस कंडीशन पे डिप्लेशन जोन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता है और जब अप्लाइड वोल्टेज ब्रेकओवर वोल्टेज से एक्सीड होती है तो अचानक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहां अवलांच ब्रेकडाउन हो जाता है और चार्ज कैरियर के नंबर इंक्रीज होने से डिवाइस का करंट इस ए पोजीशन से इंक्रीज होने लगता है। डायरेक्ट डिवाइस की डिजाइन इस तरह से की हुई होती है कि हाई ब्रेकओवर वोल्टेज पे भी इंक्रीज्ड लीकेज करंट पे जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसे ये विदस्टैंड कर सकता है और अपने आप को डैमेज ना करके और स्विचिंग एक्शन से ब्लॉकिंग से कंडक्शन में शिफ्ट करेगा और इस कंडीशन में यहाँ चारों परतों में P1, N2, P2 और N3 में आवेश वाहकों का फैलाव हो जाएगा और डिवाइस का रेजिस्टेंस डिक्रीज होने से उसके अक्रॉस वोल्टेज अब्रप्टली घटेगी और करंट सर्किट में अप्लाइड वोल्टेज और रेजिस्टेंस के अनुसार इंक्रीज होगा। DB3 एक प्रचलित डायक है जिसकी ब्रेकओवर वोल्टेज का मैग्नीट्यूड 32 वोल्ट प्लस माइनस 5% होता है। दूसरे डायक की ब्रेकओवर वोल्टेज उनकी डिजाइन और कंस्ट्रक्शन से कुछ अलग स्पेसिफिकेशन की हो सकती है। एक बार ब्रेकओवर होने के बाद डिवाइस लगातार कंडक्शन स्टेट में रहेगा। एक कंडक्टिंग डायक को हम वापस ब्लॉकिंग स्टेट में ला सकते हैं अगर हम उसके करंट को लगातार डिक्रीज करके एक क्रिटिकल लिमिट होल्डिंग करंट से कम कर दें और अगर अप्लाइड वोल्टेज ब्रेकओवर से कम है डिवाइस के अक्रॉस तो हमारा एक डायक कंडक्शन स्टेट से वापस ब्लॉकिंग स्टेट में स्विच कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ब्लॉकिंग और कंडक्शन दोनों स्टेट में स्विचिंग पॉसिबल है और बहुत सहज है और दोनों पोजिशन स्टेबल है। एक डायक को ब्लॉकिंग स्टेट से कंडक्शन स्टेट में शिफ्ट किया जा सकता है अप्लाइड वोल्टेज को ब्रेकओवर से ज्यादा करनी है और एक कंडक्शन स्टेट के डायक को वापस ब्लॉकिंग स्टेट में ला सकते हैं बस शर्त है कि उसके कंडक्शन करंट को होल्डिंग करंट से कम कर दिया जावे। एक डायक में अंदर की तीनों डॉप्ड लेयर P1, N2 और P2 में डॉपिंग के लेवल सेम है, इसलिए जब उसकी पोलैरिटी या बायसिंग उल्टी कर दी जाती है और MT2 को पॉजिटिव पोलैरिटी और MT1 को नेगेटिव पोलैरिटी की बायसिंग देते हैं तब भी वो पुराने जैसी MT1 को पॉजिटिव पोलैरिटी वाली ही कैरेक्टरिस्टिक शान हाईलाइट में दिखाए अनुसार प्रदर्शित करेगा क्योंकि MT2 को पॉजिटिव पोलैरिटी दी है तो उसका कनेक्शन P2 लेयर से हो जाएगा और MT1 मेन टर्मिनल 1 को नेगेटिव पोलैरिटी दी हुई है तो उसका कनेक्शन यहां N1 लेयर से होगा और डायक एक 4 लेयर P2, N2, P1, N1 और 3 जंक्शन जिसमें P2, N2 और P1, N1 फॉरवर्ड बायस है और P1, N2 रिवर्स बायस है उन जंक्शन के साथ ये 2 टर्मिनल का डिवाइस डायक बन जाएगा और सारी अप्लाइड वोल्टेज इस रिवर्स बायस N2 P1 जंक्शन के अक्रॉस विदस्टैंड होगी और ये अपने अक्रॉस सिर्फ लीकेज करंट को अलाउ करेगा अगर अप्लाइड वोल्टेज O से इस ब्रेकओवर वोल्टेज के लिमिट से कम हो और वोल्टेज बढ़ाने पे यहाँ लीकेज करंट हल्का सा बढ़ेगा लेकिन अचानक जब हम ब्रेकओवर वोल्टेज को एक्सीड करेंगे तो ये रिवर्स बायस N2 P1 जंक्शन की डिप्लेशन
डिप्रेशन जोन में अचानक अवलांच ब्रेकडाउन हो जाएगा और इंक्रीज चार्ज कैरियर पहले यहाँ डिप्लेशन जोन को खत्म करेंगे और बाद में इन चारों लेयर्स में स्प्रेड करके डिवाइस का रेजिस्टेंस घटा देंगे और डिवाइस में करंट लगातार बढ़ेगा और उसके अक्रॉस वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगी और डिवाइस ब्लॉकिंग से कंडक्शन स्टेट में शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि अंदर की तीनों लेयर P1, N2 और P2 की डोपिंग लेवल सेम है तो दोनों मोड में जब MT1 पॉजिटिव है तो ब्रेकओवर वोल्टेज VBO1 और जब MT2 मेन टर्मिनल 2 पॉजिटिव है तो ब्रेकओवर वोल्टेज VBO2 का मैग्नीट्यूड सेम आएगा और दोनों ब्लॉकिंग और कंडक्शन करेक्टरिस्टिक दोनों पोलरिटी में आइडेंटिकल होगी और ऐसा कंडक्टिंग डायक वापस ब्लॉकिंग स्टेट में लाया जा सकता है अगर हम इस कंडक्शन करंट को डिक्रीज करते हैं और ये करंट एक क्रिटिकल होल्डिंग करंट लिमिट से कम हो जाएगा और अगर अप्लाइड वोल्टेज ब्रेकओवर से कम रहेगी तो हमारा डिवाइस कंडक्टिव स्टेट से ब्लॉकिंग स्टेट में आ जाएगा। तो हम समझ सकते हैं कि एक डायक सिमेट्रिकल स्विचिंग करेक्टरिस्टिक दोनों पोलरिटी में रखता है। वीडियो के अंत में करते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात डायक के एप्लीकेशन की। एक डायक ट्रायक के सर्किट में ट्रायक की सिमेट्रिकल ट्रिगरिंग के लिए काम में लिया जाता है जब हम डायक ट्रायक कॉम्बिनेशन को AC मेन सप्लाई के साथ इस्तेमाल करते हैं। डायक को ट्रायक के गेट के साथ सीरीज में लगाकर एक RC फेज शिफ्टिंग सर्किट से जोड़ा जाता है और अगर यहाँ कैपेसिटर पे डायक के ब्रेकओवर वोल्टेज से कम वोल्टेज है तो ये गेट सर्किट में किसी भी करंट फ्लो को रोकर रखेगा और जैसे ही कैपेसिटर सर्किट में इस रेजिस्टेंस को वेरी करके हम उस टाइमिंग इंस्टेंट को कंट्रोल कर सकते हैं ब्रेकओवर से ज्यादा वोल्टेज आएगी तो अचानक यहाँ गेट पे ट्रिगरिंग सिग्नल ट्रायक को मिल जाएगा और ट्रायक ट्रिगर होकर इस लोड में AC सप्लाई के करंट को फ्लो करने लगेगा। और डायक और ट्रायक का ये जो फंक्शनिंग है वो AC सप्लाई की दोनों पोलरिटीज में परफेक्ट सिमेट्रिकल कंडीशंस के साथ होगी। भले ही ट्रायक AC सप्लाई की दोनों पोलरिटीज में परफेक्ट सिमेट्रिकल बिहेवियर या करेक्टरिस्टिक नहीं रखता होगा तो भी डायक की मदद से इसका जो कॉम्बिनेशन है वो एक सिमेट्रिकल डिवाइस ग्रुप की जैसे बिहेव करेगा। हम इस तरह के कंट्रोल स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल मोटर की स्पीड स्पीड कंट्रोल के फेज कंट्रोल सर्किट्स में लाइट के डिमर्स में हीटिंग के कंट्रोल्स में हमारे घरों में सीलिंग्स फैन में स्पीड रेगुलेटर्स में फ्लोरोसेंट लैंप की स्टार्टर सर्किट्स में और दूसरे कंट्रोल सर्किट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रहे कि ट्रायक का जो ट्रिगर करेक्टरिस्टिक है वो AC सप्लाई की दोनों पोलरिटीज में परफेक्ट सिमेट्रिकल नहीं होता है लेकिन डायक की मदद से हम ट्रायक की ट्रिगरिंग को सिमेट्रिकल बना लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि डायक एक सिमेट्रिकल ट्रिगर डायोड है जो ट्रायक या SCR की AC सप्लाई की दोनों पोलरिटीज में ट्रिगर करेक्टरिस्टिक को सिमेट्रिकल बना देगा। हम डायक का शार्प करेक्टरिस्टिक ब्रेकओवर वोल्टेज होने के कारण इनका इस्तेमाल ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन में भी कर सकते हैं और कुछ वोल्टेज लिमिटर सर्किट में भी हम डायक का इस्तेमाल करते हैं। आज की इस खूबसूरत वीडियो में हमने बहुत डिटेल में डायक के बारे में आपको सारी जानकारी प्रदान की है। हमारी प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो में भी इसी तरह से विषय को बहुत डिटेल्ड और एग्जैक्ट तरीके से समझाया गया है और उन वीडियो का अध्ययन करने से आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो, आप तरक्की करें, अच्छा पढ़ें, हैव नाइस टाइम। और हमारी सारी वीडियो का हमेशा के भांति प्रमोट करने और देखने के लिए आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।